हाय, लेट्स मेक आलू गोभी। आज के आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू और गोभी को डीप फ्राई कर लेंगे। साइज़ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लंबे लंबे साइज़ में ले लिया है और हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की जो आलू गोभी की रेसिपी है डीप फ्राई होगी। आलू को फ्राई कर लेने के बाद उसी तेल में हमें गोभी को भी फ्राई कर लेना है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये वाला प्रोसेस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। आलू और गोभी जैसे फ्राई हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसे हम निकाल के रख देंगे दूसरे एक प्लेट में। तेल को उतार लेंगे और बिल्कुल थोड़े से तेल में हम डाल देंगे एक चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच हींग, और डाल के हम फ्राई कर लेंगे। डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे डाइस शेप में कट करके फ्राई कर लेंगे। डाल देंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। अदरक लहसुन डाल के भी अच्छे से हम भून लेंगे। और जो हमें मसाले बना के तैयार कर लेने हैं ना, हम एक बाउल में सभी मसालों को डाल के एक पानी थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले लेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी डाल लेंगे आधा चम्मच, और डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर एक चम्मच, और ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी थोड़ा सा, और पानी डाल के अच्छे से इसका मिक्सचर बना लेंगे। और यही मिक्सचर अच्छे से हम फेंट लेने के बाद डाल देंगे हमारे भुने हुए प्याज में, और सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले को अच्छे से भुन लेने देंगे जब तक कि मसालों के साइड से तेल ना निकल जाए, कुछ इसी तरीके से। जैसे ही मसालों के साइड से तेल निकलने लग जाए, डाल देंगे यहाँ पे डेढ़ मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे चॉप करके, और डाल देंगे ऊपर से नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को भून लेंगे टमाटरों के साथ भी, और ट्रस्ट मी गाइस, ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा मसाला काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भुन चुका है, तेल भी निकल चुका है। ऊपर से डाल देंगे हमारे फ्राई करे हुए आलू और गोभी, और सभी को डाल के अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और गाइस, ये वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम कवर करके कुक करेंगे, और ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू गोभी की रेसिपी। आलू के सॉफ्ट हो जाने तक इसे फ्राई कर लेना था। ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और सर्व कर लेंगे इसे गर्मा गर्म। तो आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।